हमने मामला दर्ज कराया था FIR नंबर 178 के अकॉर्डिंग। आज पूरा परिवार मुलजिम है, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया कल, तो सिर्फ प्रमोद गुप्ता को यहाँ पर लेकर आए। तो हमारी यही मांग है कि आज पूरे परिवार को लाया जाए, क्योंकि जो इसमें अपराधी है, मुलजिम है, वो पूरा परिवार ही है। जब वो पैसे, लोग गरीब जनता पैसे जमा कराने जाती थी वहाँ पर, तो पूरा परिवार मिलकर करता था, दोनों बहुएं, बेटे, प्रमोद गुप्ता, तो फिर अकेला वो मेन आदमी यहाँ कैसे आ गया। तो हमारी पूरी जनता की और मेरी यही मांग है कि उसको पूरे परिवार को यहाँ पर लाया जाए और उस पर दबाव बनाया जाए, हमारी जनता का पैसा दिलाया जाए। देखा पिंगोलिया पास 2004 से चालू करा, तो अभी मेरा स्कूल मिला के 1,03,000 हो गया, तीन दो बेटा और मेरा। आपको हमको पैसे चाहिए बस, और उनको पूरे परिवार को प्रेस कर लो। कोर्ट में भी आया, और भी थाना, पुलिस वाला भागा रही है, जाने नहीं दे रही है, और थाना में भी हमने 2 कॉपी करा के जमा करा दिया। अब हमको रकम चाहिए, ब्याज नहीं भी दे चलेगा, पर रकम पूरा चाहिए हमको। लक्ष्मी, कल BCO जो सोसाइटी चलाने वाले संचालक प्रमोद गुप्ता को हमने गिरफ्तार किया था और उससे अनुसंधान किया गया, और आज हमने उनको कोर्ट में पेश किया है मुलजिम को, और 5 दिन का PC रिमांड लिया है। और अभी अनुसंधान करने के पश्चात तय होगा कि उसने कैसे कैसे ये घपला किया है, कितने लोग उससे जुड़े हुए थे, कब से जुड़े हुए थे, तो ये अनुसंधान से, जो पुलिस रिमांड हमने लिया है, उस अनुसंधान से तय होगा। कोर्ट में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, जो पीड़ित हैं, उनका क्या कहना है आप? पीड़ित काफ़ी संख्या में हैं, जो करीब 2,500 की संख्या में हैं। लगभग हमारे पास में 1,000-1,200 लोग पहुंचे हैं, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड पेश किया है कि उन्होंने कितना पैसा कब कब जमा कराया है, तो उस पर अनुसंधान जारी है, और उसी के अंतर्गत कोर्ट के अंदर निवेदन किया गया और 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। कितने पैसे का लग रहा है सर? अभी कोई पैसा मिले हैं या? अभी अनुसंधान जारी है, अभी कोई पैसा नहीं मिला है, और करीब 7 से 8 करोड़ का मामला अभी तक सामने आया है। अनुसंधान पूरा होने पर तय हो पाएगा कि कितने पैसे का इसने घोटाला किया है।